मारुति जो कि इसी महीने 23 फरवरी को बलेनो फेसलिफ्ट का लॉन्च करने वाली है और लॉन्च के पहले ही बलेनो फेसलिफ्ट के लगभग सभी चीज़ें लीक हो चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी गाड़ी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो फ्रंट से जब आप इस गाड़ी को देखोगे तो न्यू डिज़ाइन वाइडर ग्रिल दिया गया है, न्यू डिज़ाइन LED हेडलैम्प दिया गया है और साथ ही में LED डे टाइम रनिंग लाइट्स भी मिल जाता है और फॉग लैंप का प्लेसिंग भी रीडिजाइन किया गया है और करंट बलेनो का बोनट ग्रिल के पास से खुलता है पर बलेनो फेसलिफ्ट का बोनट ग्रिल के थोड़े ऊपर से ही खुला करेगा। तो न्यू बलेनो में फील तो वही सेम मिलता है पहले जैसा ही, पर पहले से एग्रेसिव बनाने का कोशिश किया गया है। और साइड से देखोगे तो दो चेंजेस दिखने वाले हैं, एक तो इसमें न्यू डिजाइन अलॉय व्हील्स ऑफर किया गया है और दूसरा विंडो के पास क्रोम यूज किया गया है। बाकी गाड़ी साइड से ऑलमोस्ट सेम ही है। और रेयर से देखोगे तो न्यू डिजाइन स्टाइलिश LED टेल लैंप मिलता है, न्यू डिजाइन बम्पर दिए गए हैं और फ्रंट का भी बम्पर चेंज किया गया है और रिफ्लेक्टर की प्लेसिंग थोड़ी ऊपर की गई है। तो गाड़ी के रेयर में भी आपको फ्रंट के तरह ही एग्रेसिव लुक्स देने का कोशिश किया गया है पर फील आपको करेंट मॉडल के जैसा ही मिलेगा। और इसके इंटीरियर की बात करें तो पहले से प्रीमियम इंटीरियर देने का कोशिश किया गया है और डैशबोर्ड आपको ट्रिपल टोन में मिलने वाला है ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन में। करंट बलेनो की बात करें तो ऑल ब्लैक कलर के साथ आता है। और डैशबोर्ड में हुए दूसरे चेंजेस की बात करें तो फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा और न्यू फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलेगा जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं न्यू बलेनो में मिलने वाले इंजन ऑप्शन की। तो न्यू बलेनो में आपको सिंगल इंजन मिलने वाला है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर के 12C पेट्रोल इंजन और ये इंजन 90 bhp का पावर जनरेट करेगा और इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा। और न्यू बलेनो की माइलेज की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 22.35 किलोमीटर पर लीटर क्लेम किया जा सकता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 22.94 किलोमीटर पर लीटर क्लेम किया जा सकता है। करंट बलेनो में सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो न्यू बलेनो में आपको बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी ऑफर किया जा सकता है और इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इस गाड़ी का वजन 80 से 100 किलो तक बढ़ने वाला है और वजन बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न बिल्ड क्वालिटी ही हो सकता है। पर यह आपको तब पता चलेगा जब लॉन्च के बाद इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट होगा और उस क्रैश टेस्ट में ये अच्छे स्कोर्स अचीव करेगी। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले फीचर्स की। तो करंट बलेनो में जो भी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं वो फेसलिफ्ट में भी ऑफर किए जाएंगे। और इसके अलावा मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, फर्स्ट इन सेगमेंट 360 डिग्री कैमरा मिलेगा और फर्स्ट इन सेगमेंट हेडअप डिस्प्ले यूनिट मिलेगा विथ फोल्डेबल स्क्रीन। और ये हेडअप डिस्प्ले एक प्रीमियम फीचर है जो आपको प्रीमियम गाड़ियों में ही मिलता है पर अब नई बलेनो में भी मिलेगा। और इस स्क्रीन में स्पीड, क्लाइमेट कंट्रोल, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी और टाइम के साथ और भी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो न्यू बलेनो फीचर्स के मामले में तो अच्छी होगी ही, उसके साथ साथ सेफ्टी के मामले में भी अच्छी होगी क्योंकि बलेनो के टॉप मॉडल्स में 6 एयरबैग ऑफर किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे और भी कई सारे फीचर्स इस गाड़ी में ऑफर किए जाएंगे। और इसके लॉन्च डेट की बात करें तो 23 फरवरी को ही लॉन्च होने वाला है और लॉन्च के बाद इसका प्राइस भी बढ़ने वाला है बट बेस वेरिएंट में आपको कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखने वाला क्योंकि जो भी फीचर्स ऑफर किए गए हैं वो मेनली टॉप मॉडल्स में ही ऑफर किया जाएगा। और फिलहाल इस गाड़ी का दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस है, बेस मॉडल 6 लाख से स्टार्ट होकर टॉप मॉडल 9.45 लाख तक और ये अपने लॉन्च के बाद राइवल करेगी हुंडई i20 और टाटा अल्ट्रोज से। तो ये रहे न्यू बलेनो फेसलिफ्ट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और न्यू बलेनो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। रेगुलर ऑटोमोबाइल से जुड़े इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।